यीशु दे पहले चेले यूहन्ना 1:35-51। अगले दिन यूहन्ना अपने दो चेलियां दे नाल खड़े सन। यूहन्ना ने यीशु नूं तुरदे वेख्या ते कहा, वेखो परमेश्वर दा लीला। दोवें चेलियां ने यूहन्ना दी गल सुन के यीशु दा पिछा किता। यीशु ने उन्हां नूं मगर आउंदे वेख्या अते मुड़ के आख्या, तुसी की चाहुंदे हो? उन्हां दोहां ने आख्या, हे रब्बी अर्थात गुरु, तुसी कित्थे ठहरे हो? यीशु ने उत्तर दिता, आओ अते वेखो। उन्हां ने जाके थां देखी जिथे यीशु रह रहा सी। उस दिन वह यीशु दे नाल रहे। यह 4 बजे का समा सी। इन्हां ने यूहन्ना तो सुनन तो बाद यीशु का पिछा किया। इन्हां दोहां विचों एक शमौन पतरस का भरा सी। अंद्रयास अपने भरा नूं मिलिया अते उसने आख्या, असी मसीह नूं लभ लिया है, मतलब यीशु। अते ओ उसनूं यीशु दे कोल लै आए। यीशु ने शमौन नूं वेख्या ते आख्या, तू यूहन्ना दा पुत्र शमौन है, तू कैफा सदवावेंगा। कैफा दा भाव है पतरस जां चट्टान। अगले दिन यीशु ने चाहिया ओ गलील जावे। ओह फिलिपुस नूं मिलिया ते उसनूं आख्या, मेरे पिछे आ। फिलिपुस अंद्रयास ते पतरस दे बैतसैदा शहर दा रहण वाला सी। फिलिपुस नथानी नूं मिलिया ते उसनूं आख्या, याद कर मूसा दे सराह विच ते नबियां ने जिस दे बारे लिखिया है, ओह सानूं मिल गए हन। इह नासरत दे यूसुफ दा पुत्तर यीशु है। पर नथानी ने आख्या, भला नासरत विच कोई उत्तम चीज निकल सकती है? फिलिपुस ने उत्तर दिता, आ अते वेख। यीशु ने नथानी नूं अपने वल आउंदे वेख्या ते कहा, वेखो इह सच्चा इसराइली है, उस विच कोई छल नहीं है। नथानिएल ने पूछा, तुसी मैनू किवें जानदे हो? यीशु ने उत्तर दिता, मैं तैनू उदों वेख्या सी जदों तू अंजीर दे रुख थल्ले सी, उदों तैनू फिलिपुस ने मेरे बारे दस्या। नथानिएल ने यीशु ने कहा, रब्बी तुसी परमेश्वर दे पुत्र हो, तुसी इसराइल दे बादशाह हो। यीशु ने आख्या, मैं तैनू अंजीर दे रुख थल्ले वेख्या सी, तू इस करके विश्वास करता है, पर तू इस तो भी वड्डियां गल्लां वेखेगा। यीशु ने उसनू ये भी आख्या, मैं तुहानू सच आखदा हाँ, तुसी स्वर्ग नू खुलदा अते परमेश्वर दे दूतां नू मनुख दे पुत्तर उत्ते चढ़दे अते उतरदे वेखोगे।